पीएम मोदी मंगलवार को भोपाल पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देशों में 3 तलाक कानून को खत्म कर दिया गया है। हमारे पसमानदा भाई बहनों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम भाई बहनों का इस्तेमाल करते हैं। पीएम ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, लेकिन कुछ लोग वोट बैंक के भूखे और इसका विरोध कर रहे हैं। कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। एमएसएमई दिवस के अवसर पर मंगलवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा लाभार्थियों को 20,000 करोड़ का ऋण दिया गया और एक जनप एक उत्पाद के 11 उत्पादों के लिए GI पंजीकरण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के गोबर बायोगैस प्लांट एवं ऊनी धागा उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया, और साथ ही भारतीय पैकेजिंग संस्थान के मध्य MOU भी संपन्न हुआ। डिप्टी CM बृजेश पाठक मंगलवार को कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी हर चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कांग्रेस और सपा पहले भी गठबंधन कर चुके हैं, इनके सारे गठबंधन फेल हो चुके हैं। वो लगातार हर चुनाव में प्रयास करते हैं, 14 में भी इन लोगों ने प्रयास किया था, फिर 17 में प्रयास किया, बुरी तरह से परास्त हुए, और फिर 19 में तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मिलने के बाद, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ही गठबंधन कर चुकी थी, सारे गठबंधन फेल हुए हैं। 19 में इन लोगों ने कहा कि वोट के अगर गणित को आप देखेंगे, जातिगत आंकड़ा देखेंगे, तो एक तरफा चुनाव होगा गठबंधन का, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सभी गठबंधनों को नकार दिया है। प्रचंड बहुमत की दूसरी बार 19 में सरकार बनी थी, और 24 में आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी ही जीती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता की बात करते हुए कहा कि देश भर में बीजेपी के मुकाबले में बड़ा मंच बना है, तो हम सब लोग बड़ा दिल करके एक दूसरे का साथ देंगे। न केवल दल मिल रहा है बल्कि दिल भी मिल रहा है। राजनीतिक बन रही है, इस बार गठबंधन भी तैयार हो रहा है, दल एक साथ मिलकर के काम करने जा रहे हैं। न केवल दल मिल रहे हैं, दिल भी मिल रहे हैं, और बड़े दिल से मिल रहे हैं, क्योंकि समाजवादियों ने हमेशा जिसको जोड़ा उसे बड़े दिल से जोड़ा, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे और दल रहे हो, हम लोगों ने हमेशा बड़े दिल से जोड़ा है। और हमें उम्मीद है जब देश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बड़ा मंच बना है, तो हम सब लोग बड़ा दिल कर करके एक दूसरे का साथ देंगे। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने लखनऊ स्थित कार्यालय पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मोहसिन रजा ने कहा कि जनता चाहती है कि हमारा वोट मोदी जी के साथ रहे, जहाँ विश्वास भी और विकास भी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चारबाग रेलवे स्टेडियम प्रांतीय हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी शामिल हुए।
जिसमें भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर अपनी मांग को लेकर हुंकार भरी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मंगलवार को रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू धर्म कहता है कि हिंदू धर्म का संदेश ये कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और ये कहते हैं कि झगड़ा करो, कहते हैं भारत माता की जय। और जब ये कहते हैं कि भारत माता की जय तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई संपत्ति बिकने वाली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर एक शादी समारोह से अगवा कर रेप किया और फिर हत्या कर दी। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और परिजनों की मांग कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एरोमा पार्क के भूखंडों के आवंटन कार्यक्रम में काशीपुर पहुंचे, जहां धामी ने कहा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य जहां एरोमेटिक क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दो सालों में एरोमेटिक क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, लगभग 24,000 किसान इससे जुड़े हैं।